नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फो मीडियम में। आज की वीडियो इंडिया रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही बना दिया है, यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021, इसे पब्लिश करता है आपका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और रैंक है आपकी, फिनलैंड आपके फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया का 2021 में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में आपका यह 144वें नंबर पर था। अफगानिस्तान आपका 149 नंबर पर है और इसमें आपके टोटल कंट्री थी आपकी 149। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020, इसे पब्लिश करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। रैंक वन अतु आपका फर्स्ट नंबर पर है आपका, इंडिया 2020 में 89 नंबर पर, जबकि 2019 में आपका 85 नंबर पर थी। कतर आपका 181वें नंबर पर है और इसमें आपका टोटल कंट्रियाँ थी 181। COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, COVID-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 से पब्लिश किया है आपका लोबी संस्था, यह आपकी ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। रैंक में आपका न्यूजीलैंड आपका पहले स्थान पर है, इंडिया आपका 86वें नंबर पर है, ब्राज़ील 98 नंबर पर है और इसमें आपका 98 कंट्रियों ने भाग लिया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, इसे पब्लिश किया है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो आपकी जर्मनी की संस्था है। रैंक में आपका न्यूजीलैंड और डेनमार्क को आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इंडिया 86 नंबर पर है, जबकि 2019 में आपका यह 80 नंबर पर थी। सोमालिया और साउथ सूडान 179 नंबर पर है और इस सूची को बनाने में 180 देशों को सम्मिलित किया गया था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021, इसे पब्लिश करता आपका हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा पब्लिश किया जाता है। जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इंडिया 85 नंबर पर है, 2019 पर यह आपका 84 नंबर पर था। अफगानिस्तान को 110वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स को बनाने में 110 कंट्रियों से डाटा प्राप्त किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, इसे पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। रैंक में आपका स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इंडिया को आपका 48 नंबर प्राप्त हुआ है, 2019 में यह आपका 52 नंबर पर था। यमन 131वें नंबर पर है और इस सूची को बनाने में 131 देशों से डाटा प्राप्त किया गया था। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसे पब्लिश करता है आपका कैटो इंस्टीट्यूट, जो आपकी यूएसए की संस्था है, और आपका फॉर्सियर इंस्टीट्यूट, जो आपकी कैनेडा की संस्था है। यह दोनों संस्थाएँ मिलकर यह इंडेक्स पब्लिश करती हैं। न्यूजीलैंड आपका पहले स्थान पर है, इंडिया 111वें नंबर पर है, जबकि 2019 में यह आपका 94वें नंबर पर था, जबकि सीरिया आपका अंतिम पायदान पर यानी कि आपका 162 नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, इसे पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। अफगानिस्तान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इंडिया को 8वां स्थान मिला है, जबकि 2019 में इंडिया को 7वें स्थान पर रखा गया था, जबकि 29 देशों को 135वें स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, वैश्विक संपदा सूचकांक 2020, इसे पब्लिश करता है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रैंक में देखते हैं तो आपका यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया आपका 40वें स्थान पर है, 2019 में यह आपका 36वें स्थान पर था और इस सूचकांक को बनाने के लिए आपका 53 देशों को सम्मिलित किया गया था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स
2020 मानव पूंजी सूचकांक 2020 इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, जो आपका यूएसए में है। रैंक आपका सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है, इंडिया 116वें स्थान पर है, 2019 में 115वें स्थान पर था, और जबकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश आपका 174 नंबर पर है। इस सूची को बनाने में 174 देशों को सम्मिलित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 इसे पब्लिश करता है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। रैंक में आपका स्वीडन पहले स्थान पर है आपका, इंडिया 117 नंबर पर है, जबकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपका 166 नंबर पर है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पल पल के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।